वेलकम फ्रेंड्स टू इन्फिनाइट ग्रीन एमटी यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है ज़ुइलिया सिंप्लेक्स। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो समर और मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा ही फ्लावरिंग करता है। हमारी जो वीडियो थी जिसमें हमने 9 फ्लावरिंग समर प्लांट्स बताए थे, उसमें भी हमने आपको इस प्लांट के बारे में बताया था। उस वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके राइट साइड पे आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाके आप हमारी उस फ्लावरिंग समर प्लांट्स की वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस प्लांट के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये जो प्लांट है, ये एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो इंडिया में ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये एक फुल सनलाइट में रखे जाने वाला प्लांट है। इस प्लांट को फुल सनलाइट पसंद है। ये देखिए इसका कितना सुंदर फ्लावर है। और ये जो प्लांट है इसमें 3 कलर वैरायटीज आती हैं। आमतौर पे तो आपको ये गूगल पे भी आप चेक करेंगे 2 ही दिखेंगी, लेकिन फिर भी इसमें 3 आती हैं। पिंक, जो हमारा ये आपके सामने ही है, पिंक ऐसा होता है देख सकते हैं आप, और पर्पल एंड ब्लू। जो ब्लू है वो तो सबसे ज़्यादा ही मतलब रेयर वैरायटी है, वो इंडिया में बहुत कम ही एक जगह होंगी जहाँ वो पाई जाती है, लेकिन पिंक और पर्पल उसकी कंपैरेटिवली थोड़ा कॉमन है। तो ये देखिए ये है, और देखिए इसके जो फ्लावर्स है ये 1 डे के लिए होते हैं, और ये लास्ट 2 दिन चल जाते हैं। मतलब जैसे आज ये फ्लावर्स खिले तो ये 1 से 2 दिन खिले रहेंगे, उसके बाद ये झड़ जाएंगे। और ये डीकम्पोज भी बड़ी जल्दी हो जाती है। हम इसके जितने भी फ्लावर्स हैं झड़े हुए उनको देखिए इसकी मिट्टी में डालकर ऐसे रख देते हैं, और देखिए ये 2-3 दिन पुराने फ्लावर ही डीकम्पोज होना शुरू भी हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी डीकम्पोज होने वाला मटीरियल है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये प्लांट को लोग इसकी फ्लावरिंग के लिए लगाते हैं, लेकिन फिर भी इसके हम आपको बेनिफिट्स बता देते हैं। ये प्लांट जो है इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लैडर, हार्ट और बाकी एलिमेंट्स के मेडिसिन में। अब ये देखिए, ये इसके बिल्कुल 2 दिन बाद की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, और देखिए इसमें जो फ्लावर्स है वो ऑलमोस्ट दिख भी नहीं रहे हैं, कुछ कुछ ही दिख रहे हैं, बाकी सब डीकम्पोज हो गए इतनी ही जल्दी। ये प्लांट एक एंटी प्राइटिक, एंटी गोनोडिलिया, एंटी अस्थमेटिक, एंटी वायरल और रेस्पिरेटरी डिजीज में भी काम आता है। इसके केयर टिप्स भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर इसको वाटर कम चाहिए होता है। ये फुल सनलाइट लवर प्लांट है, लेकिन ये वाटर इतना ज़्यादा रिक्वायर नहीं करता। इसे ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से इसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, और इसमें फ्लावरिंग भी हो सकता ना हो। और देखिए इसमें से मैं इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं जाती, जैसे ही मैं आप देख सकते हैं मेरा ये 3 साल पुराना प्लांट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। और इसका यही कारण है कि ये प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं जाती। देखिए ये अराउंड 4 to 4 इंच का आसपास होगा, और देखिए 3 ईयर पुराना है मेरे पास। और इस प्लांट में देखिए मेरे को तो 3 साल से आज तक कोई पेस्ट नहीं लगा, लेकिन इसमें रेड एंट्स और ब्लैक एंट्स आती हैं, इसमें चींटियाँ ही ज़्यादा आती हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो इसमें वाइट फ्लाइज भी आ सकती हैं। तो देखिए वाइट फ्लाइज के लिए तो अगर जैसे देखिए मानसून में तो नहीं पड़ती वाइट फ्लाइज, मेनली इसमें सर्दियों में वाइट फ्लाइज आती हैं। तो देखिए आप सर्दियों में अगर सनलाइट की आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसके आसपास एक स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए। स्टिकी ट्रैप क्या होता है, उसे क्या फ़ायदे हैं, उसे कैसे लगाना है, उस पर कम्प्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आपके राइट साइड पे एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप उस पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और देखिए चींटियाँ, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है इस पर भी हमारे 1-2 दिनों में वीडियो आने वाली है चैनल पे, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि प्लांट में चींटियों को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए इसको पॉट भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए होता, जैसे देखिए मेरा 9 इंच के पॉट में लगा हुआ है प्लास्टिक के, और ये 3 साल से लगा है, इसमें इतनी ज़्यादा भी वो नहीं है। और देखिए पूरा मेरा गमला भरा भी नहीं हुआ, ऊपर 30% करीब मेरा गमला खाली भी है, इसलिए इसको आप चाहें तो 6 इंच में भी लगा सकते हैं,
तो ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं चाहिए होता और इसको आपको बहुत जल्दी जल्दी वो भी रीपॉट भी नहीं करना होता। देखिए कभी कभार ज़्यादा ठंड पड़ने से सर्दियों के मौसम में इसके हालात बेकार हो सकते हैं, जैसे ये फ़ोटो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि फेब्रुअरी की फ़ोटो है इसी ईयर की। देखिए फेब्रुअरी में मेरा प्लांट अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना चढ़ा और गर्मियाँ आई तो देखिए इसमें कितनी ज़्यादा पत्तियाँ भी आ गई और फ्लावरिंग भी हो गई। देखिए इसमें पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ लेती हैं और इसको ज़्यादा खाद भी देने की ज़रूरत नहीं होती, ये लेस फर्टिलाइज प्लांट में भी चल जाता है। अब बात करें इसकी मिट्टी की, तो इसको देखिए आप हर तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं, बस कोशिश करिएगा कि इसकी मिट्टी में थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब इसकी मिट्टी में 30-40% करीब आप खाद मिला ही दीजिएगा और बाकी इसकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा मतलब वो हो जिसमें इसकी रूट ज़्यादा अच्छे से फैल जाए, भुरभुरी सी हो। देखिए इसमें ज़्यादा भी पत्ते नहीं झड़ते हैं, बहुत कम ही झड़ते हैं, लेकिन जब विंटर में का टाइम हो या जब सर्दियों में इसको धूप कम मिल रही हो तो इसके ज़्यादा पत्ते झड़ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। और देखिए इसमें कितनी सुंदर फ्लावरिंग हुई हुई है हमारी। और देखिए जो प्लांट है ये आपको समर और मानसून दोनों टाइम फ्लावर देगा और इसकी जो फ्लावरिंग है वो मार्च में स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं अपने नॉर्थ इंडिया की साइड बताऊँ तो यहाँ इसमें इसकी जो फ्लावरिंग है वो मार्च में स्टार्ट हो जाती है और सितंबर या हाफ अक्टूबर तक चलती ही कंटिन्यूसली रहती है। और देखिए जैसे इसके वन डे फ्लावर होते हैं इसलिए इसमें कलियों की भी कमी नहीं रहती, इसमें ढेर भरपूर कलियाँ आती ही रहती हैं ताकि आपको ये रेगुलर फ्लावरिंग देता रहे। को एक ही ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी चाहिए हो गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी समय, डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के द्वारा कि क्या आपके घर में ये प्लांट है, या अगर कोई भी इस प्लांट से रिलेटेड पॉइंट हो जो हमसे रह गया हो तो आप वो भी कमेंट कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट कीजिए ताकि हमें भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल सके और हम आप तक दे भी सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।